तो गाइस 2023 हमारे इंडियन सिनेमा के लिए एक काफी बेहतरीन साल गुजरा, जिसने हमारी मूवीज के कलेक्शन का स्टैंडर्ड एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। एज यहां एक के बाद एक कई रिकॉर्ड्स बने और तोड़े भी गए। साथ ही SRK ने अपना तगड़ा कमबैक करते हुए हमें एक ही साल में 2000 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉसर दे दी, जिसके बाद अब इस साल ये कारनामा कौन कौन सी मूवीज कर सकती है, यही हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। यानी कि हम बात करने वाले हैं साल 2024 की 1000 करोड़ वाली मूवीज के बारे में। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर से कर लें। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो इस साल की पहली मूवी जो 1000 करोड़ पार कर सकती है वो है जूनियर NTR की देवारा, जिसके ब्लॉकबस्टर होने के अपने कई रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट बीइंग NTR, जो कि RR के बाद से एक वर्ल्ड वाइड नाम बन चुके हैं, जिनकी वो मूवी ऑलरेडी 1000 करोड़ पार भी कर चुकी है। दूसरा, इसके साथ हमें इंडियन सिनेमा में फर्स्ट टाइम वाटर वर्ल्ड देखने को मिलेगा, जिसके एक्शन सीन्स भी अंडर वाटर होने वाले हैं, जो कि अपने आप में काफी अलग एक्सपीरियंस होगा। साथ ही ये मूवी काफी हाई बजट की है, तो इसे अच्छे से पुल आउट भी किया जा सकता है। एंड ऑलरेडी इसके पोस्टर वगैरह ने इसके लिए जबरदस्त एक्साइटमेंट क्रिएट कर दी है, तो श्योरली ये मूवी 1000 करोड़ का आंकड़ा छू भी सकती है, जो कि रिलीज होगी 5 अप्रैल 2024 को। नेक्स्ट, ये है हमारे रोलेक्स भाई यानी कि सूर्या की इस साल की अपकमिंग मूवी कंगुवा, जिसके माइंड ब्लोइंग टीजर ने सबको काफी इम्प्रेस किया। एंड बाय द लुक्स ऑफ इट, इट सीम्स कि ये मूवी समवॉट वाइकिंग्स की होने वाली है, जो कि 300 से 350 के बजट में एक साथ 10 लैंग्वेजेस में पैन इंडिया रिलीज हो रही है, जो श्योरली ये डिटरमाइन करता है कि मूवी का कलेक्शन काफी बड़ा होगा, जिससे कि लगता है ये मूवी भी इस साल 1000 करोड़ पार कर सकती है। अगली है प्रभास की इस साल की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी कल की 2898 AD, जिसकी कहानी डिस्टोपियन वर्ल्ड में सेट है, जहां भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल की ह्यूमन काइंड की रक्षा करेंगे। जिस मूवी का ग्लिम्स एक प्रॉमिसिंग वाइब दे रहा है, बट क्योंकि मूवी 600 करोड़ के हाई बजट के साथ प्रभास को फीचर कर रही है, तो इसका चलना ना चलना एक डाउट हो सकता है। बिकॉज बाहुबली के बाद प्रभास की पिछली सभी बड़ी मूवीज एक्सेप्ट सलार ने ऑडियंस को खासा निराश किया है, इसलिए कल की मूवी को अच्छा रन देने के लिए इसकी स्टोरी यानी इसका कंटेंट काफी मायने रखेगा, बाकी काम तो प्रभास के फैंस खुद ब खुद कर लेंगे। जिसके बाद बात करें हमारी अगली मूवी की, तो यह है डायरेक्टर शंकर का कमबैक इंडियन 2, स्टारिंग कमल हसन सर, जो कि 1996 में आई इनकी इंडियन मूवी का सीक्वल होगा, जिसमें इस बार सेनापति हांगकांग से रिटर्न करते हुए एक बार फिर इंडिया में हो रहे नए करप्शन का पर्दाफाश करेंगे अपने विजिलेंटी अंदाज में कई शानदार लुक्स के साथ, जैसे कि हमने मूवी के टीजर या कहो इंट्रो में भी देखा, जो कि हिसाब से काफी ज्यादा कमाल के लग रहे थे। तो जैसे कि इनकी पिछली मूवी विक्रम ने जबरदस्त कमाई करते हुए कई रिकॉर्ड्स बनाए थे, तो उनको सरपास करके इंडियन 2 उनकी 1000 करोड़ वाली मूवी बन सकती है। अब नेक्स्ट, यह है थलपति विजय की द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जिसके एक के बाद एक आए नए पोस्टर्स ने इस मूवी की उत्सुकता काफी बढ़ा दी है। एंड फैंस ये जानने को क्यूरियस है कि थलपति का ये अगला प्रोजेक्ट किस तरह का होगा, एज इसके पोस्टर से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये मूवी टाइम ट्रैवल बेस्ड हो सकती है, या फिर विल स्मिथ की मूवी जेमिनी मैन का रीमेक हो सकती है। खैर जो भी हो, मूवी अपने नाम और पोस्टर से काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, जो इसे तगड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिला सकते हैं। एंड जैसे कि इनकी लास्ट मूवी लियो वीडियो पर रहते हुए भी 600 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर सकती है, तो गोट का कंटेंट मजेदार होने पर ये 1000 करोड़ जरूर से हिट कर सकती है। नेक्स्ट, इसके बाद की हमारी अगली मूवी है कांतारा चैप्टर 1, जो कि कांतारा का प्रीक्वल होगी, यानी इसमें हमें कांतारा से भी पहले की कहानी देखने मिलेगी। एंड जिस तरह मात्र 16 करोड़ के बजट पर इसके पार्ट 1 ने देश भर में 400 करोड़ की बम्पर कमाई की थी, उसने ये बता दिया कि मूवी को लोगों ने कितना अप्रिशिएट किया, जिसकी सफलता को देखते हुए कम्पेयर टू कांतारा इस बार इनके चैप्टर 1 का बजट बढ़ाकर 125 करोड़ के आसपास का हो गया है। तो सोचिए जरा इस बार मूवी का स्केल और कितना ग्रैंड होने वाला है, एंड इसका अंदाजा हम इसके पोस्टर और फर्स्ट लुक से भी लगा सकते हैं, जिसने तो एक अलग ही गूज़बम्प्स वाली मूवमेंट दे दी थी। बाकी नाम तो इसका हो ही चुका है, तो उसे देखते हुए चैप्टर 1 भी एक डिवाइन ब्लॉकबस्टर जरूर से साबित होगी। नेक्स्ट, ये होने वाली है सिंघम अगेन। अब आई नो आप में से बहुत से लोगों को ऐसा लगेगा कि सिंघम कहां से 1000 करोड़ कर सकती है, बट डू रिमेम्बर यही इस साल की इकलौती बॉलीवुड की ओर से आने वाली सबसे बड़ी मूवी होगी, जिसमें नंबर 1 सीक्वल वैल्यू है, और दूसरा इसकी स्टार कास्ट बहुत दमदार अनाउंस की गई है। एंड रोहित शेट्टी की मूवी है, तो इसमें आपको मास मसाला कॉमेडी और ओवर द टॉप एक्शन सीन्स जरूर से देखने को मिलेंगे। साथ ही ये इनके कॉपी यूनिवर्स की एक अहम कड़ी होगी, जिसको बूस्ट देने का काम करेगी इनकी वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स, जो इसी महीने 19 जनवरी को अमेजन प्राइम पर स्ट्रीम होगी। तो इन फैक्टर्स को देखते हुए सिंघम अगेन जरूर से बड़े नंबर्स जनरेट कर सकती है, जो इस साल 15 अगस्त को आएगी।
जिसके साथ ही इस साल की सबसे बड़ी मूवी होगी अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 द रूल, जो कि 15 अगस्त को सिंघम अगेन के साथ क्लैश होने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बट कुछ रिपोर्ट्स की मानी जाए तो ये भिड़ंत नहीं भी होने वाली है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पुष्पा अपनी रिलीज डेट रीशेड्यूल करने वाली है। लेकिन जो भी हो जाए 2024 की पुष्पा 2 सबसे बड़ी मूवी होगी, जिसके नाम पे शॉर्ट शॉर्ट ब्लॉकबस्टर लिखा हुआ है, क्योंकि इसकी हाइप ऑलरेडी काफी हाई है और लोग जो है वो इसका बड़ी बेसब्री से वेट कर रहे हैं। सो इट्स गारंटीड कि मूवी के बवाल रिव्यू इसे 1000 करोड़ आराम से करा देंगी। नाउ आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपके हिसाब से कौन से इस साल की टॉप हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन मूवी हो सकती है। इसके अलावा जल्द से आप इस वीडियो को करते लाइक एंड शेयर भी, साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।